हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, एप्टीट्यूड के, मैथ्स के। मैं आज आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताऊंगा और ये जितने भी जो बेसिक्स हैं, पहले मैं कुछ है ना कुछ बेसिक वीडियोस बनाऊंगा। इन बेसिक वीडियोस में आप लोगों को जो भी सीखने मिलेगा वो आपकी अच्छी एग्ज़ाम्स जो भी आपके आने वाले हैं, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आपका पटवारी हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, सब में ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अब मैंने 3 बार IBPS PO क्रैक किया है मैंने, तो मुझे आइडिया बहुत अच्छे से है कि ये बेसिक्स आना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम इन सारी चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ वर्ग के बारे में कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, यानी कि पहले मैं बात करूँगा 0 से लेकर, यानी कि मैं पहले अगर बात करूँ 1 से लेकर आपको 100 तक के वर्ग कैसे निकाले जाते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे 100 से लेकर, फिर हम लोग बात करेंगे 100 से लेकर 1000 तक कैसे निकाले जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 1 से लेकर 1000 के बीच में आप किसी भी वर्ग को किस तरह से निकालते हैं उसको हम लोग आज सीखते हैं। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, सबसे पहले लिखा हुआ है 46। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 46, तो आपको 46 का आपको निकालना है वर्ग निकालना है। ठीक है, 46 का वर्ग निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, कुछ भी नहीं करना, बस आप इस तरह से इसको ड्रॉ करो। सबसे पहले देखेंगे हम, 2 डिजिट इसके अंदर दी हुई हैं। पहला क्या दिया हुआ है, 6। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16। फिर तीसरी स्टेप आपको क्या करनी है, 2 का गुणा करना है इस 4 में और 6 में, यानी कि 6 चौक 24, 24 दुनी कितने होते हैं, 48 होते हैं। ठीक है, 24 दुनी कितने होते हैं, 48। 48 को जमाना कहाँ पर है, इसके नीचे। पहले तो आप यहाँ पर लिख दोगे 4, ठीक है, पहले तो आप यहाँ पर लिख दोगे, 6 के नीचे लिखोगे 4, फिर इस 3 के नीचे क्या लिखोगे आप, 8 लिखोगे। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना, अब आपका आंसर आ गया। ये जो 6 दिया है इसे इस तरह से उतार लो, 8 और 3 कितने होते हैं, 11, 11 का 1 यहाँ जाएगा, 6 4 10 और 1 11, 11 का 1 यहाँ जाएगा, 2 21 16, यही आपका आंसर होगा। तो बड़े ही आसानी से आप इन सारी चीज़ों को निकाल सकते हो। इस तरह से आप 1 से लेकर 1000 तक किसी भी वर्ग को बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहला ये हुआ हमारा क्वेश्चन। दूसरा देखो आप, दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन, पहला हो गया, दूसरा लिखा हुआ है हमारे पास में 68 लिखा हुआ है। 68 को कैसे निकालोगे, 68 निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, इस 68 का वर्ग निकालना है मुझे। 8 को देखो, सबसे पहले 8 का कितना होता है वर्ग, 64 होता है। 6 का कितना होता है, 36 होता है। जब ये हम काम कर लेते हैं तो तीसरी स्टेप हमारी जो होती है वो 2 का गुणा करते हैं 6 में और किस में करते हैं, 8 में। 2 का गुणा 6 × 8 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 कितने होते हैं, 48। 48 दुनी कितने होते हैं, 48 दुनी कितने होते हैं, 96 होते हैं, 96। तो 96 को आप यहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख दिया आपने इस तरह से। आपको करना क्या है, ध्यान रखना हमेशा, जैसे ही मेरे पास में 96 आ गया, 2 डिजिट आ गया, तो सबसे पहले इस वाली डिजिट के नीचे 9 को लिख देंगे और इस वाली डिजिट के नीचे 6 को लिख देंगे। इस वाली डिजिट को बिल्कुल इस तरह से उतार लेना, फिर 6 और 6 को जोड़ो, कितना होता है, 12। 1 जाएगा यहाँ, 9 और 6 होता है अपने पास कितना, 15। 15 और 1 16, 16 का 6 लगेगा 1, कितना हो जाएगा, 46 24, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा, थर्ड वाले को देखो। थर्ड वाला देके रखा है मुझे कौन सा, 92 देके रखा है। अब ये जो मुझे देके रखा है 92, इस 92 को आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, करना कुछ भी नहीं है हमें। यहाँ पर सेकंड वाली जो भी डिजिट दी है इसको कर दो 4। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी तो हम लोग निकाल रहे थे 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, तो यहाँ पर 2 डिजिट आ रही थी, लेकिन यहाँ पर तो अब की बार 1 ही डिजिट है, तो कुछ नहीं करना भाई, आगे 0 लगा दो, हो गई 2 डिजिट। अब क्या करेंगे, इस 9 का वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा भाई 81। जैसे ही हम इसका वर्ग हमने निकाला 81, फिर वही काम, 2 का गुणा 9 में 9 का गुणा फिर से 2 में, तो 9 दुनी 18 दुनी होता है भाई 36। 36 में से 1 के नीचे लगा दो पहले 3, फिर 0 के नीचे हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, 6 लगा देंगे, और बस कुछ नहीं करना, 4 को ऐसे उतार लो, 6 को इस तरह से लिख दो, 3 और 1 होते हैं 4, और 8 इस तरह से लिख दो, बस 8 4 6 4, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, इसको नोट करते जाना जिन्हें भी नोट करना है। चलो, अब ये तो 3 डिजिट बड़े आसान होते हैं, 2 डिजिट के बड़े आसान होते हैं। अच्छा, एक और दिया है क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 87।
87 का स्क्वायर मुझे निकालना है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जो 7 दिया हुआ है मुझे, 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब क्या करेंगे, 2 इंटू 8 इंटू क्या लिखा हुआ है 7, 8 7 जहाँ होता है भाई 56, 56 और गुणा करना है मुझे इसका, तो 50 दुनी होता है 100, 6 दुनी 12, 100 में 12 जोड़ दिए 112। अब 112 मेरे पास आया है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझ जाना इसे, 112 लिखा है। अब की बार मेरे पास नीचे कितनी 3 डिजिट हैं, अभी तक 2 डिजिट आती थी तो 4 के नीचे लिख देता था, इसके नीचे भी एक डिजिट लिख देता था। अब इसको मैं कैसे अरेंज करूंगा, ध्यान से देखो, सबसे पहले जो लिखा हुआ है 1 1 और 2, तो पहले क्या करेंगे, 1 को यहाँ लिख दूंगा, दूसरा 1 यहाँ लिख दूंगा और 2 को यहाँ लिख दूंगा, बस कुछ भी नहीं करना मुझे यहाँ पर, 9 को उतार लो ऐसा का ऐसा, 4 और 2 हो गया 6, 4 और 1 हो गया 5, 6 और 1 हो गया 7, यानी कि आपका आंसर आ गया 7569, यही आपका आंसर हो गया। आया सबको समझ में? चलो इसके आगे की चीज़ों को देखो, वीडियो को रिपीट कर देख लेना, आ जाएंगी सारी चीज़ें समझ में। ये 2 डिजिट की तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ गई होंगी चीज़ें, अब हम लोग 3 डिजिट की चीज़ों को ध्यान से देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 105, ध्यान से देखो ज़रा क्या लिखा हुआ है 105। आप जब भी 3 डिजिट के बारे में बात करोगे, किसके बारे में, 3 डिजिट्स के बारे में यदि आप बात करोगे, तो ध्यान रखना आप आधार 100 मान सकते हो, आधार 150 मान सकते हो, 200 मान सकते हो, 250 मान सकते हो, इसी तरह से 900 मान सकते हो, 950 को भी आप मान सकते हो। तो ये सारे के सारे आधार होते हैं, इन आधार के बेस पर यानी कि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है इन्हें आधार मानकर, उन्हें हम लोग देखते हैं, उन्हें हम लोग सीखते हैं किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो 3 डिजिट के लिए हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर 3 डिजिट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैंने लिखा है 105, 105 लिखा है ना आपने यहाँ पर। अब आप करोगे क्या, आधार ये किसके करीब है, ये 100 के करीब है, 100 के करीब है, तो मैंने यहाँ पर मान लिया भाई 100 आधार हो गया, 100 से ही थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, संख्या जो है 100 से कुछ ज़्यादा है, तो 100 के मैंने इसको क्या मान लिया, आधार 100 मान लिया। 105 का मुझे वर्ग निकालना है, तो मैं इस 105 के वर्ग निकालने के लिए करूँगा क्या, ये ध्यान से देखो कि 100 से कितना ऊपर है, प्लस 5 यहाँ लिख दो और इसी तरह से माइनस 5 यहाँ पर लिख दो, 100 से जितना ऊपर हो उतना प्लस करके लिख दो, उतना ही माइनस करके यहाँ पर आप लिख दो, ठीक है। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप आगे की चीज़ों को देखो, बड़ा आसान है इनको भी निकालना, 100 से कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखो, अब दूसरी स्टेप में मुझे क्या करना है, दूसरी स्टेप में मुझे यहाँ पर यह करना है कि इस 105 को ऐसे लिखे रहने दो और प्लस 5 यहाँ पर जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप में क्या करना है, इस 105 में से इस 5 को घटा दो, पहले हमने जोड़ दिया तो 110 आ गया, दूसरा हमने घटा दिया तो 100 आ जाएगा, बस हो गया आंसर अपना, 110 का गुणा कर दूंगा मैं 100 में, और नीचे हमेशा 100 का ही आपका भाग लगेगा, नीचे हमेशा ही आपका 100 का भाग लगेगा, चाहे आप 100 से लेकर 1000 तक कितने भी निकाल लो, आप कितने भी वर्ग निकाल लो, सब में 100 का ही भाग होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो 100 से 100 को काट दिया, बस 11025 यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो और हम और समझा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से क्लियर होना शुरू हो जाए। इसके बाद देखते हैं हम लोग 300 को देख लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 300 का वर्ग मुझे निकालना है। इस 300 का वर्ग निकालने के लिए पहली बात तो ये ध्यान रख लो कि 309 जो है 300 के करीब है, यानी कि आधार मैंने इसका 300 मान लिया है, ठीक है। अब देखो, पहली मैंने चीज़ ये बताई थी कि 300 से कितना ऊपर है, 9 ऊपर है, तो प्लस का 9 लिख दो, पहले क्या करेंगे, प्लस का 9 लिख दो और जितना प्लस किया है उतना ही मैं यहाँ पर क्या करूँगा, माइनस करूँगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो अब आगे की बढ़े आसानी से समझ में आ जाएगी। 300 से कितना बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है यहाँ पर, ठीक है, 81 होता है 9 का वर्ग। 300 से जितना बड़ा हो उसका वर्ग निकाल के यहाँ पर लिख दो। फिर क्या करेंगे दूसरी स्टेप में, मैंने बताया था आपको दूसरी स्टेप में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस 309 में, इस 309 में इस 9 को हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना बन जाएगा, 318 बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 309 में इस 9 को हम लोग घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, 300 बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो इनको ऊपर इस तरह से लिख दो, 318 का गुणा कर दूंगा मैं किसमें, 300 में, और नीचे भाग लगा दूंगा किसका, 100 का। 100 से लेकर 1000 तक आप जितने भी वर्ग निकालोगे सब में हमेशा 100 का ही भाग लगेगा। कुछ नहीं करना, 100 से इसको काट दिया 3 टाइम, अब कुछ भी नहीं बचा,
318 का गुणा 3 में करूंगा तो 300 का गुणा 3 में कर लो, हो जाएगा 900, और 18 तिया होता है 54, यानी कि 954 ये आ जाएगा, और कितना हो जाएगा 81। बस यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलो और आगे देख लेते हैं हम लोग चीजों को। ठीक है, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर सीखते हैं 195 का वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से जरा देखो, जब मैं यहाँ पर लिखूंगा 195 और मुझे इसका क्या निकालना है भाई, वर्ग निकालना है, तो 195 का वर्ग निकालने के लिए आपको पता है 200 आपको आधार मानना पड़ेगा, क्योंकि 200 के ही आसपास में ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, मुझे पता है 200 के क्या है, आसपास है, तो मुझे यहाँ पे 200 कंप्लीट करना है। 200 पूरा करने के लिए मुझे प्लस 5 की जरूरत पड़ेगी, और जितना हम प्लस करते हैं उतना ही हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब करना क्या है हम लोगों को, यहाँ पर बस 200 में से 195 को घटा दो। 200 में से जब आप 195 को घटाओगे तो बचेगा 5, उस 5 का ही आपको वर्ग निकालना है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, 5 का वर्ग 25। फिर दूसरी स्टेप मैंने आपको ये बताई थी कि 195 में प्लस का 5 जोड़ दो, दूसरी बार 195 से 5 को घटा दो, तो ये दोनों चीजें आप आसानी से निकाल सकते हो। ये हो जाएगा अपने पास 200, और ये वाला कितना हो जाएगा 190। बस यही काम करना है, 200 का गुणा किसमें कर देंगे, 190 में। भाग हमेशा हम लोगों को 100 का ही लगाना है, 100 से मिल जाएगा 200। अब पता है 19 कितना होता है, 38, 38 है, और एक जीरो लगा देंगे 2 5, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझो इसे अच्छे से। इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ, आपको 286 का बता देता हूँ, मैं आपको 286 का कैसे निकालेंगे। 286 मान लो, 286 लिखा हुआ है और इसका मुझे यहाँ पर वर्ग निकालना है। 286 यानी कि 300 के करीब है, ये 300 के करीब है लगभग। जब ये 300 के करीब है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 14, 200 पूरा होने में 14 की जरूरत है। जितना हम प्लस करते हैं उतना ही हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं, बस हो गया। आंसर आने में देर लगी है, मुझे पता है यहाँ पर 14, 300 में से 286 को घटाऊंगा तो बचेगा 14, उस 14 का वर्ग निकालो कितना होता है, 14 का वर्ग होता है भाई 196। ये सब लोगों को पता होना चाहिए, 147 तक के वर्ग सबको पता होना चाहिए कम से कम। 196 आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम लोग निकाल रहे वर्ग, वर्ग निकाल रहे हैं यानी कि यहाँ तो दो ही संख्या आनी चाहिए या तीसरी संख्या क्या कर रही है। अभी फिलहाल के लिए उसको देख रहे, दो आगे की चीजों को देखो, मुझे क्या करना है, बस वही छोटी छोटी स्टेप मुझे करना है। इसमें जोड़ दूंगा 14, ठीक है। दूसरी बात, 286 में से मैं माइनस कर दूंगा 14, जब 286 में से इसको जोड़ूंगा तो बन जाएगा ये 300, और इसमें मैं इसको घटाऊंगा तो 4 में से 2 गया, 4 में से यानी कि 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 2, 8 में से 1 जाएगा, बचेगा 7, और ये बचेगा अपने पास 2, यानी कि ये बचेगा अपने पास 272। सिंपल लिख दूंगा मैं यहाँ पर, 300 का गुणा कर दूंगा किसमें, 272 में। भाग हमेशा किसका लगाना है, 100 का लगाना है, इससे इसको लगा तो बचेगा 3, ठीक है। 3 दूनी कितने हो गए, 6, 7 3 21 का मान लगेगा यहाँ पर 2, 3 दूनी 6 7 8, 816 और 196 यहाँ पर ऐसे उतार दिया। पर क्या ये आंसर सही है, ये आंसर अभी आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि आपके मन में एक बात आनी चाहिए, हम वर्ग निकाल रहे हैं, यहाँ हमेशा मुझे दो ही संख्या है, अगर तीसरी संख्या आती है तो वो आगे वाले में जोड़ दी जाएगी, यानी कि ये जो 1 है इस 1 को मुझे आगे वाले में जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, 8 1 7 9 6, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 1 7 9 6, ये आपका आंसर हो गया। या जो भी एक्स्ट्रा आ जाए, 2 के अलावा जो भी आ जाए उसको आप इस साइड लाकर जोड़ देना बस, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज आसानी से निकालना आ चुकी होगी, बोर्ड मास वगैरह सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। 252 आसानी से निकल जाएगा, देखो ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि 100 का 250, 300 ऐसे करते करते 950, इनमें से आप किसी को भी आधार मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी को भी आप आधार मान सकते हो। अब देखो जरा ध्यान से, मुझे निकालना है यहाँ पर क्या है, 252, क्या निकालना है, 252, इतना पता है मैं इसका आधार से 250 को मान सकता हूं, मैं 250 का आधार, इसका मुझे क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, बस भाई कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है, अब इसको करना, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझ लो, बताओ 250 से कितना ऊपर है, तो आप कहोगे
दो ऊपर है, जितना आप ऐड करते हो उतना ही आप घटा देते हो, यानी कि दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार। आपके मन में क्वेश्चन आएगा या तो दो डिजिट चाहिए मुझे, दूसरी डिजिट नहीं है तो क्या मान लो उसे जीरो मान लो। अब करोगे क्या, यहाँ पर वही बात जो स्टेप अभी तक करते आ रहे हैं हम लोग, 252 में दो को जोड़ दोगे और 252 में से दो को घटा दोगे, बस कितना हो जाएगा 254 हो जाएगा, और 200 कितना हो जाएगा 50, यानी कि 254 का गुणा मैं कर दूंगा किसमें, 250 में कर दूंगा, भाग लगा दूंगा किसका 100 का, हमेशा उसके लगा मैं। क्या करूंगा मैं यहाँ पर, इस जीरो से जीरो काट दो, 5 से 2 टाइम, 5 से 5 टाइम कटेगा, 2 से 1, 2 से 2, 2 से 7, क्या करूंगा मैं 100 का गुणा करूं पहले, 100 का गुणा करो 5 में कितना हो जाएगा 500, 27 का गुणा करो फिर 5 में, 27 में 135, तो 500 और 135 यानी कि 635, कितना हो जाएगा 635, और कितना हो जाएगा 04, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। फिर लास्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्या चीज, 999, ये लिख रखा मैंने यहाँ पर क्या 999, 999 का कैसे निकालोगे, 999 का मुझे क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, क्या करोगे मुझे पता है इसका आधार मैं कितना मान सकता हूँ 1000 मान सकता हूँ, 1000 पूरा होने के लिए एक जोड़ने की जरूरत मुझे पड़ेगी, यहाँ पर 999 प्लस 1000 हो जाएगा, जितना जोड़ता हूँ उतना ही मुझे यहाँ पर घटाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा आगे की चीजों को देखो, 100 में 1000 में से 999 बढ़ाओगे एक बचेगा, उसी एक का मुझे वर्ग चाहिए, एक का वर्ग एक होगा, दूसरी संख्या है नहीं तो दो जीरो को मान लो। अब करना क्या है मुझे यहाँ पर, मुझे यहाँ पर करना क्या है, मैंने लिखा है 999, 999 में यदि मैं एक पर जोड़ूंगा तो बन जाएगा भाई 1000, 999, 999 में से मैं एक को घटाऊंगा तो बन जाएगा 998, कपड़ा कुछ भी नहीं है बस इसका गुणा कर दो, यहाँ पर बचेगा 998, भाग हमेशा सौ का ही लगेगा, जीरो में से इसको घटा दो बचेगा कितना 998001, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आई हो। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देखना, अगली वीडियो में मैं क्यूब घन निकालना बताऊंगा आपको, क्यूब रूट निकालना बताऊंगा, घनमूल यानी कि जो घनमूल होता है, वर्गमूल होता है, फिर उसके बाद वर्ड मास यानी सरलीकरण जो होते हैं वो सारी चीजें समझाऊंगा मैं आप लोगों को इन वीडियो के थ्रू। ठीक है, थैंक यू भाई।